आज है 25 मई 2021 और हम बात करेंगे 26 मई 2021 के लिए, यानी कि वेनजडे के लिए, यानी कल के ट्रेडिंग डे के लिए, कि क्या टारगेट हमारे कल को इसमें निकल का सकते हैं। रीजन भी होंगे कि किस रीजन की वजह से स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, तो इसी इसको पर सब हम बात करेंगे। तो चलिए आप आज के अपने वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वायरी होती है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना कमेंट दीजिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपका नाम लेके। और तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। तो सबसे पहले हम आ गए हैं स्पाइस जेट के चार्ट पर। मैंने यहाँ चार्ट लगाया है, यहाँ 6 मंथ का मैंने चार्ट अपडेट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैं बात करूँ फरवरी के मैन की, 8 फरवरी की से इस स्टॉक्स में अच्छे लेवल पर ये एक मूव दिखा रहा था, पर 8 फरवरी के बाद इसमें एक स्लिप, जैसे स्लिप होता ना स्टॉक्स, ऐसे स्लिप हुआ। पहले यहाँ लो बनाया, फिर इसका लो बनाया, फिर इसका लो बनाया, फिर अब यहाँ लो बनाया, बट अब ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें स्टॉक्स में हमको तेज़ी नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। इन 8 फरवरी से 22 अप्रैल तक इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है और ऑलरेडी बहुत बहुत गिर चुका है स्टॉक्स। प्राइजिंग की बात करूँ यहाँ पर तो लगभग 58 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स था अप्रैल में, बट अब इसके अंदर हमको तेज़ी हमको नज़र आती हुई दिख रही है। तेजी का कारण जानने की कोशिश करें, तेजी का कारण इस वजह से भी आ रही है, देखिए ऊपर का ही मैंने यहाँ पर पूरा एक ट्रेड लाइन मार्क की है, किस तरह का ट्रेड लाइन इसमें ऊपर के लेवल से आ रही है। तो दोस्तों इसमें तेज़ी क्यों आ सकती है ये भी बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले टारगेट की बात करें, क्या टारगेट ऊपर के लिए निकल सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर 3 कैंडल मजबूत कैंडल बनाए हुए हैं। तो बात करो 10 मार्च की, तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल हमको दिखाई दे रहा है और इसके बाद हमको यहाँ एक बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है। और आज की डेट की बात तो अब आज भी इसमें अच्छा खासा कैंडल, इस वीक का, ये एक वीक का कैंडल होता है, तो इस वीक का भी काफ़ी अच्छा कैंडल हमको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों स्टॉक्स में तेज़ी क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है अभी, बट फिर भी स्टॉक्स में तेज़ी है, वाय। तो इसका आंसर है क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली, जहाँ तक उम्मीद है सभी राज्य अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिस वजह से स्टॉक्स में तेज़ी है, यानी कि फ्लाइटें कुछ हद तक यहाँ पर खुलेगी जल्दी से जल्दी। हाँ जी हाँ, तो लोकल फ्लाइट तो अभी भी वैसे चल रही है, बट पूरी तरीके से नहीं चल पा रही, बट अब कुछ राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया एक तरीके से हटना शुरू हो सकती है, अनलॉक होएगा तो लॉकडाउन खुलेगा, तो जाहिर सी बात है कि फ्लाइटें भी रिज्यूम की जाएगी, तो जिस वजह से स्टॉक्स में तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी की जो प्राइसिंग है वो 82.50 रुपये क्लोजिंग दी है, आज की डेट की बात करूँ, मैं NSE वेबसाइट पर आपको ले चलूँगा, वहाँ से कारोबार की डिटेल जानेंगे आज के सर कारोबार क्या है, बट पहले टारगेट की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये 82.50 रुपये ऊपर है, तो दोस्तों पहला टारगेट होगा हमारा स्टॉप लॉस लगाना है 76 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, ये वाला स्टॉप लॉस लगाना है, जहाँ से इसने अपने सपोर्ट को, सपोर्ट इसका यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। तो 76 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के हमें 90 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 76 रुपये स्टॉप लॉस SL 76 रुपये का, और टारगेट होगा हमारा TG जो होने वाला है वो 90 रुपये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 95 रुपये। दो टारगेट के लिए हमको इसमें खरीदारी करनी है स्पाइस जेट में, तो स्पाइस जेट में तेज़ी का मूव आ सकता है और ये तेज़ी आगे तक भी हमको कंटिन्यू दिख सकती है। तो अगर मैं इसकी आज ही कारोबार की डिटेल की बात करूँ, तो कारोबार इसने आज किस तरह देख सकते हैं, 82.50 रुपये की तेज़ी दिखाई क्लोजिंग दी है और 1.25 रुपये तेज़ी साइज में क्लोजिंग हमको देखने मिली, 1.5% की इसमें तेज़ी हमको देखने मिली अगर हम परसेंट वाइज इसकी कन्वर्ट करें। 81.25 रुपये इसका प्री क्लोज था, 82.40 रुपये ये हाई गया और 82 रुपये ओपन हुआ 82.40 रुपये, हाई गया 83.90 रुपये पर और लो रहा था इसका 80.10 रुपये पर। अगर मैं ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ आज की, तो इसमें 1,21,99,447 ट्रेड शेयर हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर 2020 में 108 रुपये का हाई बनाकर फिर इसमें 52 वीक लो रहा था इसका 28 मई 2020 को 42 रुपये का, तो ये लो है इसका, हाई है, हो सकता है इसके हाई को या अब जल्दी तोड़ता हुआ हमको दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पर डिलीवर शेयर की बात करूँ, तो आज किस तरह
जो शेयर डिलीवर हुए हैं 35,33,483 शेयर आज डिलीवर हुए हैं, जी हाँ, और 28% लगभग 29% की तेजी हमको इसमें दिखा दी है स्टॉक इसमें पोजीशन जो उठाई गई है आज की डेट में। देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योर डिवाइस डिलीवरी पोजीशन 25 मई 2021, तो 25 मई आज की मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज इसमें लगभग 29% की डिलीवरी उठाई गई है आज के ट्रेडिंग जो शेयरों में से। तो दोस्तों स्टॉक्स में तेज़ी का मूव बन रहा है और इस स्टॉक पर नज़र रखिए, अपनी एक वॉच लिस्ट में अपने जरूर रखिए। इस स्टॉक्स में आपको लगभग 20% के आपको ऊपर के लिए टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं, जी अब 20% तो 20% बहुत होता है, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपको इसमें 20% की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी द मार्केट इंडिया की राज स्पाइस जेड लिमिटेड पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, तो क्योंकि इसी तरह की हमारी वीडियो आती रहे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हमारे कोई भी, तो इसी तरह हमारी वीडियो आती है, तो प्लीज़ चैनल और को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। तो आज के लिए इतने, हैव अ गुड डे, गुड बाय।